बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। उम्मीद है आप सब घर पर खैरियत से होंगे। आई एम अ टीचर ऑफ हेरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, क्लास प्रेप 2। आज हम इंग्लिश की कॉपी में काम करेंगे। ये आपकी इंग्लिश की कॉपी है। इंग्लिश की कॉपी में हमने साउंड ऑफ ए और साउंड ऑफ एह का काम कर लिया था, तो आज हम करेंगे एक्टिविटी। चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे। आज कौन सी डेट है बेटा? 10। ठीक है, अच्छा जी। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए और एह की एक्टिविटी। ठीक है, साउंड ऑफ ए और एह का काम हम कर चुके हैं ना, तो आज हम करेंगे एक्टिविटी। यहाँ पर साउंड ऑफ ए और साउंड ऑफ एह के वर्ड मैं लिख के दूंगी, तो आपने अलग अलग करके लिखने होंगे। सबसे पहले वर्ड लिखते हैं। क्या लिखा मैंने सबसे पहले? फ ए टा फैट। फैट वन फिंगर का गैप देके लिखेंगे। ख ए प कैप। कैप अब लिखेंगे हम वन फिंगर का गैप देके। ह एह न हैन। हैन फिर वन फिंगर का गैप देके लिखेंगे। ज ए म जैम। जैम अब फैट के बिल्कुल नीचे दूसरी लाइन में हम लिखेंगे ट एह न टैन। टैन अब यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे कैप के नीचे लिखेंगे ब एह ड बैट। बैट अब यहाँ पर हम लिखेंगे ह ए ट हैट। हैट अब लास्ट वाला वर्ड हम लिखेंगे न एह ट नेट। अच्छा, ये वर्ड मैंने साउंड ऑफ ए और साउंड ऑफ एह के लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर हम लिखेंगे एह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से साउंड ऑफ ए के वर्ड ढूंढ के यहाँ लिखने हैं और साउंड ऑफ एह के वर्ड ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? ए का, ये देखिए फैट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ ए च फैट। फैट अब दूसरा वर्ड देखें, कैप आ रहा है, कैप कैप ए आ रहा है या एह आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख ए प कैप। अब कैप के बाद देखें साउंड ऑफ ए है या साउंड ऑफ एह है? साउंड ऑफ ए है, तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पर ह एह न हैन। ठीक है, इसी तरह ढूंढ ढूंढ के दोबारा से देखिए कौन सा वर्ड है, जैम। जैम इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? साउंड ऑफ ए आ रहा है या एह आ रहा है? साउंड ऑफ ए आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज ए म जैम। अच्छा, ये एक लाइन मैंने आपको करके बता दी। अब आपने जैम के बाद यहाँ से देखना है कि इसमें साउंड ऑफ एह आ रहा है या ए आ रहा है। अगर एह आ रहा होगा तो यहाँ लिखेंगे और अगर ए आ रहा होगा तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे काम। अब हम आगे नेक्स्ट काम कर लेते हैं। आज की डेट लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन अब ज़रा मेरे साथ साथ पढ़ें। W H A T what? What? वन फिंगर का गैप देके लिखेंगे I S S। फिर वन फिंगर का गैप देकर Y O U R your। What is your? वन फिंगर का गैप देके लिखेंगे N A M E name। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ योर नेम। इसकी उर्दू में आपको बता देती हूँ, आपका क्या नाम है। तो आप अब सब अपना अपना नाम अपनी बाजी से या अपनी ट्यूशन वाली बाजी से यहाँ पर लिखवाएंगे पूरा नाम। ठीक है, और फिर उसको देख देख के आपने यहाँ पर नीचे नीचे लिखते जाना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। अब मैं अपना नाम लिख रही हूँ लेकिन आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, मेरा नाम है उज़्मा अहमद।
तो ये मैंने अपना नाम लिखा उज़्मा और वन फिंगर का गैप देके लिखा अहमद। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा है तो आपने भी अपना नाम इसी तरह अपनी आपी से या ट्यूशन वाली बाजी से लिखवाना है और इसको देख देख के आपने यहाँ 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 और पूरा नीचे तक की लिख लेना है। ठीक है, टेक केयर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।